नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर प्रधानमंत्री ने बुलाई बैठक, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ होगी चर्चा, विकास के मुद्दों को लेकर तय हो सकती है नई रणनीति। इस साल के आखिर में होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, अमरनाथ यात्रा के बाद होगा तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा जम्मू कश्मीर के हालात पर लगातार नजर ली जा रही है, सभी जरूरी जानकारियां। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण मंत्री समेत कई हस्तियों ने किया पौधारोपण। विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने लगाया पौधा। प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान, स्कूल नर्सरी नाम से शुरू होगा नया कार्यक्रम। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब से थोड़ी देर बाद विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया करेगी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगाज। कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन पर रहेगी नजर। साउथहैम्पटन में खेला जाएगा मैच। और देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। मस्जिदों में विशेष नमाज, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। उपराष्ट्रपति ने कहा ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और विचारों तथा कर्म की शुचिता का प्रतीक है ईद उल फितर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार पहले ही सभी मंत्रालयों से कहा गया था कि वो अपनी प्राथमिकता तय करें और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाएं। खासतौर से आर्थिक एजेंडे को लेकर सरकार कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्लान कर सकती है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं चुनाव की तारीखों को लेकर आयोग ने कहा है कि तारीखों का ऐलान अमरनाथ यात्रा के बाद किया जाएगा। आयोग ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी जरूरी जानकारियां हासिल कर रहा है। बयान के अनुसार चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सर्वानुमति से फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हर साल जुलाई से मध्य अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होती है। इस वर्ष यात्रा का समय 1 जुलाई से 15 अगस्त तक निर्धारित है। उधर भारतीय वायुसेना के लापता हुए विमान AN-32 का 48 घंटे के बाद भी पता नहीं चल पाया है। विमान का पता लगाने के लिए वायुसेना सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन खराब मौसम के कारण सर्च अभियान में कठिनाइयां आ रही हैं। विमान की तलाश में वायुसेना और थल सेना के साथ साथ नौसेना भी जुटी हुई है। इसके अलावा तलाश अभियान में इसरो के सैटेलाइट की मदद भी ली जा रही है। AN-32 विमान सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे लापता हो गया था। विमान ने दोपहर में करीब 12:30 बजे असम के जोरहाट से अरुणाचल जाने के लिए उड़ान भरी थी। विमान में 8 क्रू मेंबर और 5 यात्री सवार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। टुडे द P-8I एयरक्राफ्ट ऑफ द नेवी आल्सो जॉइंड इन द सर्च ऑपरेशन। Indian Army personnel, they are doing the ground search and also joined in with the ALH helicopter. Indian Navy, I mentioned, joined with P-8I. The local police and the civil administration are helping the Indian Air Force in all ways possible to locate the missing aircraft. So it's a difficult operation. However, we are using all our means, the electronic means, the electro-optical means, or isko analyze karke, uske baad hum, we are going to do the visual lookout. The next, the ISRO satellites are also being used
for mapping this, photographing this area, and which will be analyzed and which will be used for our further search operation. The next of kin of all the missing personnel have been informed about the search effort put in by the Indian Air Force and all allied government and civil agencies. We are in constant touch with them. उधर केरल में एक व्यक्ति के निपाह वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार लगातार संपर्क में है। वहीं राज्य सरकार ने माना है कि राज्यों के कई जिलों के लगभग 311 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 6 सदस्यीय टीम केरल भेजा गया है। साथ ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। कोच्चि, कलमाशेरी, कोझिकोड और त्रिशूर मेडिकल कॉलेजों में अलग से वार्ड खोले गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मामले में केरल के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी जताया है। We have lined up everything. We are flying monoclonal antibodies also to Kerala. We have set up a control room in NCDC in New Delhi also. The state government has also made all arrangements for surveillance, contact tracing, etc. Till now about 86 contacts have been traced. आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में इसे मनाया जाता है। 5 जून 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। वायु प्रदूषण इस साल पर्यावरण दिवस की थीम है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से पर्यावरण दिवस की महत्ता और बढ़ जाती है। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का हाईवे के दोनों किनारों पर 125 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल नर्सरी के नाम से एक नया कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें छात्र द्वारा लगाए गए पौधे को एनुअल एग्जाम के बाद ट्रॉफी के रूप में दिया जाएगा। जो हजारों किलोमीटर के हाईवे उनके नेतृत्व में मोदी जी के मार्गदर्शन में बने हैं, उन सभी हाईवेज के दोनों तरफ 125 करोड़ पेड़ लगाने का उन्होंने ये किया है, एक निर्णय किया है। और गडकरी जी जैसा निर्णय करते हैं वैसा अमल में भी लाते हैं। और इसलिए भारत में हर एक आदमी को समझना चाहिए कि उसको जिंदगी भर जितना ऑक्सीजन लगता है उतना ऑक्सीजन मिलने के लिए 8-10 पेड़ तो उसको लगाने बनते हैं। और केवल पेड़ लगाकर नहीं चलता, उसको और आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। स्कूल नर्सरी में स्कूल के बच्चे फॉरेस्ट विभाग के वन विभाग के सहयोग से बीज रोपण करना सीखेंगे। पौधा आएगा, उसको सैपलिंग को ढंग से एक साल बढ़ाएंगे और अपने एनुअल एग्जाम के साथ एक ट्रॉफी के रूप में घर ले जाएंगे। ये उनकी निर्मिति होगी। स्कूल के स्टूडेंट्स का वृक्षों के साथ दोस्ती करने का ये कार्यक्रम है। वहीं गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया। पर्यावरण दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधा लगाया। और वही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए विश्व पर्यावरण दिवस पर कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं कि पृथ्वी को स्वच्छतर और सतत बनाएंगे। प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति की परंपरा है। भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने और भावी पीढ़ियों को हरित इको फ्रेंडली पर्यावरण देने के लिए वचनबद्ध है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर लोगों से पर्यावरण के संरक्षण की अपील की है। और वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर पर्यावरण दिवस पर कहा कि पृथ्वी को संजोने की जरूरत है और इसे स्वच्छ बनाए रखने की प्रतिज्ञा हम करते हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने से ही बेहतर भविष्य होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक संदेश जारी किया और पर्यावरण को सुरक्षित करने की अपील की है। World Environment Day highlights how much we all rely on nature and on our planet's health. The quality of the water we drink, the food we eat, and the air we breathe all depend on protecting the natural world. But the environment is facing unprecedented perils caused by human activity. 1 million species are at risk of extinction. Oceans are under stress. Air pollution is claiming 7 million lives every year and damaging children's development. Many air pollutants also cause global warming. And climate change is an existential threat. There is no time to lose. This is the battle of our lives. We must win, and we can. Solutions exist. Tax pollution, not people. Stop subsidizing fossil fuels. Stop building new coal plants. People everywhere are demanding action. On World Environment Day, let us heed their call. वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण से लेकर पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एक्शन प्लान के तहत काम करेगी। पर्यावरण आज के समय में पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती सामने पेश कर रहा है। कई चुनौतियां प्रदूषण को लेकर है, कई सारी चुनौतियां जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हैं। हम बात करते हैं देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से। जावड़ेकर सर, आपने नया नया पदभार भी संभाला है, पहले भी आप इसमें रह चुके हैं, आपको अंदाज़ा भी पूरा है। आज के समय में जो नई चुनौतियां हैं वो कैसे उससे हम लोग निपट सकते हैं, सरकार के पास क्या है उसके लिए प्लान? देखो, पर्यावरण की समस्या दुनिया भर में है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो पंच तत्वों से दुनिया बनी है उन्हीं पंच तत्वों का रक्षा करनी है। इसमें जन भागीदारी चाहिए, क्योंकि जब तक लोग, सिंपल चीज़ है, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, जो हमारे हाथ में काम करने जैसा है, कुछ पेड़ लगाओ, उनको संभालो और उनको बढ़ाओ, ये कार्यक्रमों में जनता का सहभागिता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो ज़्यादा, और ये सब काम करने के लिए एक जन जागृति की मुहिम हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। सर, इस बार यूएन ने भी जो पर्यावरण जो दिवस है उस पर वायु प्रदूषण पर थीम रखा है, और दिल्ली के लिए तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वायु प्रदूषण सभी जगह महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, लेकिन वायु प्रदूषण जैसे 3-4 चीज़ों से होता है। नंबर एक, व्हीकल का प्रदूषण है। मोदी सरकार ने इसमें सबसे बड़ी पहल की और भारत 6 स्टैंडर्ड को फ्यूल मिलेगा तो वो लगभग व्हीकल पोल्यूशन को 80-90% ख़त्म करता है। तो ये क्लीन फ्यूल, ये पहला कार्यक्रम है। जिस तरह से एक्सप्रेसवे बने हैं उसके कारण ट्रक जो दिल्ली में आते थे वो बहुत कम संख्या हो गई है, और यही बाकी भी काम जो बचा है वो जल्दी पूरा होगा। आपने जन भागीदारी की बात कही, सेल्फी की बात कही, तो लोगों को संदेश क्या है इस पर्यावरण दिवस पर? पर्यावरण दिवस पर है कि पर्यावरण केवल सरकार का काम नहीं है संभालना, यह हर एक का काम है। और भारत की जीवन शैली भी ऐसी है कि जो पर्यावरण पूरक है उसको हम ना भूलें और हम उसके साथ चले, तो हमें निश्चित रूप से आधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी लेकिन पर्यावरण की रक्षा भी होगी। निष्पादन जो कचरे का होना है वो ठीक तरीके से हो, घर में भी गीला और सूखा कचरा अलग करें, ये करने की ज़रूरत है, ये आदत डालने की ज़रूरत है। ये सेग्रीगेशन होगा तो भारत की बहुत सारी समस्याएं दूर होगी, और इसलिए यही लोगों को करने का काम है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने त्रिकोणासन का 3D वर्जन जारी किया है। आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं।
अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हो, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें, सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। केंद्र सरकार ने रोजगार के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार देश में रोजगार के सही आंकड़े जुटाने के लिए रोजगार सर्वेक्षण कराने की योजना तैयार कर रही है। इसमें ठेला, रेहड़ी और पटरी वालों को भी शामिल किया जाएगा। सर्वेक्षण में देश भर के 27 करोड़ घर और 7 करोड़ स्थापित लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से देश में रोजगारी और लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में सही जानकारी सामने आएगी और ये जानकारी सरकार को ठोस योजनाएं बनाने में मदद करेगी। ये सर्वे जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा। और इधर विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। वैश्विक आर्थिक आकलन रिपोर्ट में विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले 2 वर्ष में भी समान बने रहने की आशा व्यक्त की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बेहतर मौद्रिक नीति से ऋण की स्थिति मजबूत होगी और निजी उपभोग और निवेश बढ़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य से भी नीचे आ गई है। विश्व बैंक ने कहा है कि हाल के नीतिगत सुधारों से निवेश और बढ़ने का अनुमान है। देश भर में मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS प्रोग्राम में दाखिले के लिए नीट UG परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर दोपहर के बाद रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। NTA के मुताबिक 5 मई को नीट UG 15.15 लाख छात्रों ने दी थी और फेनी तूफान के कारण ओडिशा और में ट्रेन लेट होने की वजह से, साथ ही कर्नाटक में भी इसके असर की वजह से परीक्षा देर से आयोजित की गई थी, बाद में आयोजित की गई थी। और NTA की वेबसाइट पर दोपहर बाद छात्र अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद रिजल्ट देख सकेंगे। अपने रिजल्ट को देखने के लिए आप NTA.NEET.NIC.IN वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चीन ने अमेरिका की यात्रा करने वाले अपने नागरिकों को यात्रा परामर्श जारी कर सतर्क रहने को कहा है। चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार टकराव में बढ़ोतरी के कारण आपसी संबंध निचले स्तर पर आ गया है। ये परामर्श इस वर्ष के अंत तक वैध रहेगा। और अब बात करते हैं ईद की। देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए देश के लिए अमन और चैन की दुआएं मांग रहे हैं। देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में ईद के मौके पर आज खास नमाज अदा की जा रही है। ईद उल फितर का त्यौहार पाक महीने रमज़ान की समाप्ति पर मनाया जाता है। ईद उल फितर के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF के जवानों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को मिठाई देकर ईद की बधाई दी।
वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। ट्वीट के जरिए दिए बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रमजान के महीने के समापन का ये त्यौहार परोपकार और भाईचारे की भावना में हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। ये शुभ दिन हम सब के परिवारों में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी ईद की शुभकामना देशवासियों को दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और विश्वास, समाज में करुणा और विचारों तथा कर्म की शुचिता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लोगों को ईद पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा ये पर्व हमारे समाज में आपसी भाईचारे, दया और शांति का प्रतीक है और प्रार्थना के सभी देशवासियों के जीवन में खुशियां आए, ऐसी प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री उनके घर पहुंचे और ईद की बधाई दी। मुख्तार अब्बास नकवी ने देश भर के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाने की बात कही। हमारे देश में ईद भी होती है, होली भी होती है, दीपावली भी होती है, क्रिसमस भी बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, महावीर जयंती भी होती है और सभी धर्मों और सभी विचारों और सभी आस्थाओं के लोग यहाँ रहते हैं। ईद जो है वो पूरी दुनिया में अमन, चैन और भाईचारे और साथ ही साथ सद्भाव और समृद्धि का संदेश दे। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से करेगा। टूर्नामेंट का 8वां मैच साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और टीम इंडिया जहां जीत के साथ बेहतरीन आगाज करना चाहेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। अब से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम को दो बार हार का सामना करना पड़ा है। युवा और अनुभव से लबरेज भारतीय टीम इस विश्व कप में विजेता की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है। कप्तान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल बांग्लादेश के साथ खेले गए अभ्यास मैच में अपने जबरदस्त फॉर्म का प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में भी भारतीय टीम काफी हद तक बाकी टीम के मुकाबले मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी टीम को टीम इंडिया को टक्कर देने के लिए काफी पसीना बहाना होगा। मैच से पहले मीडिया से मुखातिब हुए भारतीय टीम के कप्तान ने कहा कि बतौर कप्तान अपने पहले विश्व कप मुकाबले को लेकर उन्हें गर्व है। साथ ही कोहली ने यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से बेहतर है। Firstly, we're very happy that finally we're going to start playing. It's been a while since we've been here. A very talented, very dangerous side on their day, and even with the replacements, they would be a very strong side. So we never take anyone lightly, and whether you know a few key players get injured or not, if a youngster is stepping in and he has the right mindset, he can really perform on the day. So I think we need to maintain respect for that and really approach the game focusing on our strengths and what we can do as a side. और वही ओवल में आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। तो मंगलवार को खेले गए विश्व कप के 7वें मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 34 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। वहीं अफगानिस्तान को दूसरी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की जीत के हीरो रहे नुवान प्रदीप। प्रदीप ने अपने करियर की बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 31 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि लेसिथ मलिंगा ने 39 रन देकर 3 विकेट लिए। अफगानिस्तान की ओर से नजीबुल्लाह जारदान ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए।
पहली पारी में 33 ओवर के दौरान हुई बारिश के बाद मैच को 41-41 ओवर का कर दिया गया और इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम 36.5 ओवर में 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में अफगानिस्तान की टीम को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 187 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन अफगानिस्तान की पूरी टीम 32.4 ओवर में 152 रनों पर ही सिमट गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों के मौसम के हाल की जानकारी के साथ। नमस्कार।